सो हेलो बच्चों, अभी क्या करना है हमको? हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अभी हम एक दूसरे चैप्टर पे मूव करते हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पॉसिबिलिटी मैं कह दूँ 90% पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन मिलने के लिए। इसको भी हमको दो तीन पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें ना मतलब कार्बन के एलोट्रोप्स देखेंगे, उसके बाद कार्बन के कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर करना सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ स्पेशल कंपाउंड कार्बन के देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कार्बन? देखो हम है ना, देखते हैं हमारी जो केमिस्ट्री है ना, हमारी केमिस्ट्री को हम तीन उसमें डिवाइड करते हैं। केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तीन पार्ट में। एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक, और एक होता है हमारे पास फिजिकल। क्या होता है? एक होता है हमारे पास फिजिकल। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बेसिकली हम डील करते हैं किसके साथ? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, मतलब जो कार्बन की केमिस्ट्री है ना, उसी को हमको पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मतलब आप समझो इस चीज को, एक बार सोचो कि कार्बन जो है वो इतने कंपाउंड बनाता है, इतने वेरियस टाइप के कंपाउंड बनाता है कि हमको उन सबको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ गई। समझ रहे हो? तो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये वाला चैप्टर आपकी 10th क्लास में डाला गया है, ताकि आप 11th क्लास में जाओ तो वहां पे आपको जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करना पड़े तो वो आपके लिए चीजें वहां पे थोड़ी आसान हो जाए। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये आपका मतलब 11th के लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमको दोनों दोनों उसके पर्पज से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की केमिस्ट्री मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें है ना आपको हमको हाँ ऐसे कंपाउंड देखने हैं जो कि कैसे ऑर्गेनिक, जैसे आपने सुना होगा कि वो ऑर्गेनिक फॉर्मिंग करते हैं, या फिर है ना मतलब बोलो कि ये मतलब ऑर्गेनिक है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी आजकल ऐसे कर रहे हैं ना कि वो फॉर्मिंग हो रही है ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब कि उसमें है ना नेचर में जो चीजें मिलती है उनको यूज कर रहे हैं, कोई केमिकल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे है ना हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि आप समझो, जैसे कि बहुत सारे हमने ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आप देखो विनेगर, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये क्या है आपका, ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, जैसे आप देखते हो टमाटो, टमाटो में क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है COOH, ये आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो मतलब ऐसे बहुत सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड थे जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट था, तो उन सब कंपाउंड को हम एक डिफरेंट कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कैसे, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो देखो एक चीज होती है, सबसे पहले ये समझो कि हम जैसे कोई भी बॉन्ड है, आप एक चीज समझो कि कंपाउंड बनाने के लिए क्या होता है, बॉन्ड बनाने जरूरी है। तो पहले आप समझो कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो बॉन्ड जो है हमारे पास है ना तीन टाइप का हो सकता है। बॉन्ड कैसा हो सकता है? तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, एक हो सकता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, और एक हो सकता है हमारे पास क्या, एक हो सकता है आयोनिक, एक हो सकता है कोवेलेंट, और एक हमारे पास हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये जस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू आयन्स, जैसे कि आपने देखा होगा NaCl, तो NaCl कैसा होता है इस तरीके का। तो इनके बीच में देखो ये क्या है Na+ है, और ये क्या है Cl-, तो महज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ही हम क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। वैसे ही अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग अभी आप समझोगे नहीं मैं बोलूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है वो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये कैसे बनता है? ये देखो, ये बनता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है ना, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और क्या कह लूं मैं, एक्सेप्टेंस ऑफ, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। आगे समझ में? तो दोनों तरीके से कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। पर अगर आप देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक एक और एटम था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक दूसरा एटम था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने क्या किया, इस एटम की शेयरिंग कर ली और यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोस्टली जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, इसीलिए मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड समझाना था आपको कि क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है, ये भी शेयरिंग से ही बनता है, ये भी शेयरिंग से ही बनता है। बस इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम देता है, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। मतलब कि एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एटम के पास खाली ऑर्बिटल होगा, तो वो दोनों ऐसे ओवरलैप करके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन के कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड समझो, मतलब कि जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन से मिक्स होके क्या बनाता है, मतलब ओवरलैप करके क्या बनाता है, H2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे तो कैसा बॉन्ड बना लेंगे, ये इस तरीके का बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये बन गया क्या आपका H और H, समझ गए। इसी तरीके से क्या होगा, अगर आप ले लो H और Cl, तो देखो आपको क्लोरीन का हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास मैं ऐसे बनाऊं अगर P सेल में, तो इसके पास क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास क्या होता है, हम कार्बन को अगर समझें तो देखो कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, इसीलिए क्या होता है वो आपका एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ही बना लेता है। देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझो। अब आ गई हूँ मेन चीज पे, किस पे, कार्बन पे। देखो कार्बन में क्या होता है, कार्बन की पहली प्रॉपर्टी तो होती है कैटेनेशन की, कैटेनेशन। देखो कैटेनेशन का क्या मतलब होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन। क्या होता है, चेन फॉर्मेशन, चेन फॉर्मेशन मतलब क्या करता है, ये चेन बनाता है। देखो कैसे, मतलब आपने देखो, एक तो सबसे पहले इसकी चार वैलेंसीज होते हैं, तो ये कैसे चेन बनाता है, ये चेन ऐसे बनाता है, मतलब एक कार्बन से इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, आगे ऐसे जुड़के 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 चेन बनाता है। ठीक है, उस तरीके से ये इधर भी जुड़ सकते हैं ऐसे, इस तरीके से जुड़ के ये क्या करते हैं, ये आपके चेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब क्या, कि वो चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है, और दूसरे जो एलिमेंट होंगे वो चेन नहीं बनाते। जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपने कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा, क्योंकि क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए इनके पास ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसके पास ही कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। देखो इसका बस एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा आपको ऐसा, हाइड्रोजन परोक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन परोक्साइड, ये ऐसा इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपको मिलता है इसका, हाइड्रोजन परोक्साइड। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, अब क्या करें हम, ये पहली प्रॉपर्टी देखी हमने क्या, कैटेनेशन। देखो हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड्स। देखो फोर बॉन्ड्स मतलब कि जैसे देखो क्या होगा, ये कार्बन है ना, कार्बन का मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 और 4। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इसको क्या चाहिए,
कि कोई फोर इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर कोई फोर इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। पर देखो अगर ये फोर देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस फोर आएगा, और प्लस फोर जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस फोर भी ये हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस फोर आना बहुत अनस्टेबल बना देगा उसको, कार्बन को। तो ये क्या करता है, ये है ना शेयरिंग प्रेफर करता है कि भाई मैं ना देना चाहता हूँ ना लेना चाहता हूँ, एक काम करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग मतलब क्या कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, एक मैं दे देता हूँ, एक सामने वाला जिससे भी शेयरिंग करेगा उससे ले लेगा, और इस तरीके से क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा दो इलेक्ट्रॉन लेके। देखो कैसे होता है ये, मान लो जैसे आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे इसके ये फोर मैं आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इस किसी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, इधर किसी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, इधर किसी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, इधर किसी कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ऐसा ही ये कितने बन गया, 20 के तीन एक बन गया, ये इधर किसी कार्बन से बना लेगा, इधर किसी कार्बन से बना लेगा, इधर किसी कार्बन से बना लेगा। तो मतलब ये इस तरीके से कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हमने देखा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब जो कार्बन है हमारा वो कितने बॉन्ड बनाता है, फोर बॉन्ड्स बनाता है, समझ गए ये। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो कैसे होगा, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इसने एक कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ये कैसे बना, ये मैंने तुमको अभी सिखाया ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना इनके बीच में ओवरलैपिंग से, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब क्या होगा, इसके पास स्टिल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, रुको, जैसे मान लो इसने क्या किया, चार बॉन्ड, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3, इस कार्बन के पास भी कितने, 1 2 3, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब देखो क्या होगा, मान लो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। हो सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। हो सकता है वो तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। देखो चार बॉन्ड टेट्रावेलेंट एक दोनों कार्बन से इस तरीके का नहीं बनता है, ठीक है, ये वाला नहीं बनता है, क्योंकि मोस्टली ये है ना यहीं तक ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनाते हैं। देखो क्या होगा, अभी वो आपको समझ में आएगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगे, 11th में जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि इतने ही बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है, OSP हाइब्रिडाइज होता है इसलिए। अब देखो, अब हम क्या करें, ये वाले जो बॉन्ड बन गए ना, इसको हमने क्या बोला, मल्टीपल बॉन्ड, आ रहा समझ में, क्या बोलेंगे इसको हम, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब यही ना, एक से ज्यादा, तो ये क्या है आपके, मल्टीपल बॉन्ड, ये है मल्टीपल बॉन्ड। अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। या फिर ये पहला बॉन्ड जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन बताओ, पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन बताओ, तो किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड बना है तो वो बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा, ठीक है। अब अगर इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये आपका कैसा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला होगा इसको बोलते हैं पाई, तो इनके बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है, कैसा है, डबल बॉन्ड। और एक क्या है आपका, एक है सिग्मा और दूसरा वाला क्या है, पाई, एक है सिग्मा और एक क्या है, पाई बॉन्ड। आगे समझ में, एक क्या है आपका, पाई बॉन्ड, क्लियर है, समझ गए। तो देखो इस तरीके से, और अगर हाँ एक और इनके बीच में और बॉन्ड बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एक आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा, एक आपका क्या हो जाएगा, पाई, और फिर दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, पाई। तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दो क्या है, पाई बॉन्ड है।
ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये कार्बन क्या करता है, अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए हमको एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ी फॉर कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले चीज तो एलोट्रॉप समझो। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपने ऐसा सुना है ना कि वो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, एक राम भगवान का, एक कृष्ण का, और एक क्या नरसिंह का, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं। तो मतलब है वो एक ही इंसान, लेकिन क्या है, अलग अलग रूप में मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, अलग अलग रूप में मिल रहे हैं, मतलब क्या कि हमारे लिए तो वो 10 इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका ओरिजिन एक ही है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि मतलब कोई एक एलिमेंट अगर मोर देन वन फॉर्म में मिलता है, अगर एक एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये उसका क्या है, एलोट्रॉप। क्या है, एलोट्रॉप। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट, अगर इन मोर देन वन फॉर्म, देन इट इज, देन आर सेड टू बी एलो, दे आर सेड टू बी एलो ट्रॉप्स। आगे समझ में, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एलो ट्रॉप्स। क्लियर है? ठीक है, जैसे देखो अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन के लिए देखते हैं, तो देखो कार्बन के है ना दो टाइप के एलोट्रॉप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका क्रिस्टलाइन, एक हो सकता है आपका क्रिस्टलाइन, और एक हो सकता है आपका एमोरफस, एमोरफस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन। देखो क्या होता है क्रिस्टलाइन का मतलब, क्या होता है क्रिस्टलाइन का मतलब समझो। देखो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि वो मतलब है ना, जो उसका जो उसमें जो कम एलिमेंट्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, एकदम स्पेसिफिक होगा। कैसा अरेंजमेंट होगा, एकदम स्पेसिफिक अरेंजमेंट, तो उनको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। जैसे आपने कोई भी क्रिस्टल देखा होगा तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है ना, जो भी एलिमेंट होगा उसका, तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा तो वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन। और अगर ऐसे रैंडम अरेंजमेंट होगा तो वो क्या होगा, आपका अमोर्फस। ठीक है, इतना समझो। अब देखो क्रिस्टलाइन में भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक क्या होता है डायमंड, एक होता है आपका ग्रेफाइट, और एक होता है आपका फुलेरिन। ठीक है, अमॉर्फस में जो आपके होते हैं वो देखो, जैसे कोल हो गया है ना, चारकोल हो गया, ब्लैक लंग हो गया, ये कैसे होते हैं, ये आपके अमोर्फस होते हैं। तो आपको पता है कि भाई ये अमोर्फस है, ये तो वैसे भी जलाने वलाने के काम आते हैं, उसमें ही ये यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तो ये तीनों एलोट्रॉप जो है वो कार्बन के ही होते हैं, मतलब इसमें है ना कार्बन ही प्रेजेंट होता है, लेकिन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। आ रहा समझ में, मतलब एक ही कार्बन है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी में क्या है, जमीन और आसमान का अंतर है। समझ रहे हो? तो हमको है ना इन सबको एक एक करके डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, डायमंड से। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमंड से। तो देखो एक चीज, डायमंड में क्या होता है, देखो जो कार्बन होता है उसी में अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ले, और कई हजार साल तक, मतलब समझो 2-3 हजार ईयर तक अगर ले, तो ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डायमंड में। ठीक है, तो डायमंड बनने की प्रोसेस इतनी इजी नहीं है। ठीक है, बहुत कई साल लग जाते हैं डायमंड बनने के लिए। तो देखो डायमंड में क्या होता है, ये जो कार्बन होता है आपका, कार्बन कैसा होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज, कार्बन इज टेट्रा हेड्रली अरेंज्ड। कैसा होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है।
ठीक है, समझो कैसे टेट्राहेड्रली अरेंज, मतलब जैसे ये एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से जुड़ा होगा। फिर इस कार्बन से देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, फिर से आपका ऐसा टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा। फिर ये कार्बन आगे जाके टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा, समझ रहे हो आप किस तरीके का स्केलेटन है। टेट्राहेड्रली मतलब इस तरीके से चार चार बॉन्ड बना के ये कैसा जाइंट जैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो क्या होता है, ये बहुत ऐसा पैक हो जाता है, और ये जब पैक हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायमंड। ये आगे और आप इनको बढ़ाते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ करते जाओ, जितना भी मतलब पैक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, तो समझो अभी आपको डायमंड के लिए बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो कार्बन है वो कैसा है आपका, टेट्राहेड्रली अरेंज, ये वाली बात लिख ली हमने कि कैसा है टेट्राहेड्रली अरेंज। टेट्राहेड्रल मतलब टेट्रा यानी चार बॉन्ड, ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे मिला दोगे ना इन सबको, तो ये क्या करते हैं, ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसे देखो ये कार्बन 1 2 3 4, अगर आप इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, फिर इसको इससे जोड़ो, इसको इधर से जोड़ो, तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन सा बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो टेट्राहेड्रॉन आपको दिख रहा है ना, एक ये फेज, एक पीछे वाली फेज, एक नीचे वाली फेज, चार फेज दिख रही होंगी, तो ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा अगर मैं बोलूं तो है ना, इसका बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, तीसरा तीसरा ये होगा कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको तो क्या होगा, देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, क्या होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करो तो देखो क्या होगा, शाइनी होगा, शाइनी क्रिस्टलाइन होगा, शाइनी क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, भाई कैसा होगा, तो सारे के सारे कार्बन कैसे होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, टेट्राहेड्रल का मतलब आप समझे, फिर देखो इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो जनरली कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होगा, तो ये एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरी चीज ये कि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वैसे आपको पता है कि नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, मेटल सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर भी कार्बन जो है वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, अरे सॉरी, कार्बन, ये जो डायमंड जो है वो हार्ड होगा। ठीक है, इसके बाद शाइनी क्रिस्टलाइन है। अब अगर मैं इनके यूजर्स की बात करूं तो यूज में आपको सबसे पहला यूज तो आपको पता है, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है ना, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। और क्या हो सकता है इसको, ग्लास की कटिंग के लिए यूज करते हैं, ग्लास कटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोले हम इसको कि ये है ना, एसिड बेस वाटर इन सब से अनअफेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड। ठीक है, इन सब का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कैसा होता है, अनअफेक्टेड। ठीक है, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपको डायमंड के बारे में जो जाननी थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो इसका नेक्स्ट एलोट्रॉप, देखो हम एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये एलोट्रॉप वाली स्लाइड देखें, अगर हम पीछे चले तो ये देखो एलोट्रॉप पढ़ रहे हैं कार्बन के, हमने डायमंड खत्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेफाइट, और उसके बाद पढ़ेंगे फुलरेन। ठीक है,
देखो अभी नेक्स्ट एलोट्रॉप देखते हैं हम, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मेरे से बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगा दिया। देखो बन जाता लेकिन बहुत टाइम लगता। क्या हो रहा है ग्रेफाइट में, क्या होता है देखो, जैसे उसमें क्या था, टेट्राहेड्रली अरेंज था हर एक कार्बन। इसमें क्या होता है, इसमें ना ये हेक्सागन बनाते हैं। देखो हेक्सागन मतलब कि 6 मेंबर की एक रिंग, ऐसे हेक्सागन बनाते हैं। ये हेक्सागन रिंग ऐसे आपस में जुड़ी हुई रहती है। मान लो लेट सपोज ऐसे ऐसे रिंग, 6 मेंबर की रिंग, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारी रिंग 6 मेंबर की, 6 मेंबर की एक शीट बना ली, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, ये 6 मेंबर की रिंग एक शीट, उसके नीचे दूसरी शीट, उसके नीचे तीसरी शीट, ऐसे क्या करती है, ये शीट बनाती है, ठीक है। तो ये शीट क्या होती है, अभी देखो इसमें क्या है, ये वाला कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे, इसकी एक वैलेंसी फ्री है। तो ये क्या करता है, ये इंटरेक्शन करता है एक ऐसे कार्बन के साथ जिसकी एक वैलेंसी फ्री हो। तो इस तरीके से इनके बीच में ना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है, ये लेयर, एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसी लेयर, फिर एक नीचे लेयर, तो ये लेयर के ऊपर लेयर होती है, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर कैसे होती है, स्लिपी होती है, ठीक है, स्लिप होती रहती है। तो सबसे पहली चीज, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो क्या होगा, इसके बारे में आप देखो, इसकी चीज पहली चीज क्या होगा, पहली चीज तो ये कैसा होगा, हेक्सागोनल शीट बनाएगा, हेक्सागोनल शीट्स बनाएगा, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं लेयर बनाएगा, ठीक है। वो लेयर क्या होंगी, आपस में वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होंगी, वॉन्डर वॉल्स, वंडर वॉल्स फोर्स से जुड़ी होगी, ठीक है। ये हो गई एक लेयर के ऊपर क्या, दूसरी लेयर। अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट आता है देखो, ये हो गया नेक्स्ट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो क्या होगा, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देखो एक नॉन मेटल होने के बाद भी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि देखो अब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेवल करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो इसीलिए ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो कि आपने देखा क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स से ही शीट जुड़ी होंगी, हाई हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट इसका होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आयरन के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है, समझ रहे हो आप। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ऑल्दो नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं लेकिन इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट होगी, चौथी पॉइंट अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा, देखो ये है ना आपका एसिड, बेस या फिर एल्कोहल, इन सब से क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, इन सब से क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, ठीक है। और अब अगर हम इनकी यूजेस की बात करें तो देखो क्या यूज हो सकता है इसका, इसका यूज सबसे इम्पोर्टेंट यूज तो आपने पता है इसका किस में होता है, पेंसिल में। देखो पेंसिल में होता है, और ये जो नाम है ना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नाम ही वहीं से आया है, क्योंकि देखो ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है ग्रीक में, ग्रेफाइट का मतलब होता है ग्रेफीन, क्या होता है ग्रेफीन, और ग्रेफीन का मतलब होता है राइट, टू राइट, मतलब कि लिखने के लिए जो सब्सटेंस यूज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा यूज क्या होगा, आपको पता है ये स्लिपी होता है और ऐसा सोपी टच होता है, तो ड्यू टू स्लिपी एंड सोपी टच, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर द ल्यूब्रिकेशन, फॉर ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन इन मशीनरीज, मशीन्स में हम क्या करते हैं इसको, फॉर ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं इसको, फॉर द ल्यूब्रिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका देखें तो क्या होगा, पेंसिल में यूज होगा, और बैटरी में यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो बैटरी में क्या होता है इसको, इलेक्ट्रोड, बैटरी में इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं, आपने देखा होगा ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, और इसको हम ना न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद ना न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद इसको हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो इतना ही यूज है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ग्रेफाइट के बहुत सारे यूजेस, देख ली प्रॉपर्टीज, देख ली क्या होती है। देखो अभी डायमंड और ग्रेफाइट में अगर अंतर पूछेंगे तो वो कैसा होगा, वो हार्ड होगा, ये स्लिपी और शाइनी होगा, मेटल की तरह शाइन करेगा ग्रेफाइट, है ना। वो क्या करेगा, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा, और ये क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, डायमंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इसमें कुछ डिफरेंस हो गए। अब अगर मैं बात करूं अगला एलोट्रोप, तो देखो अगला एलोट्रोप होता है आपके पास फुलेरिन। तो फुलेरिन में क्या होता है, 60 कार्बन की एक रिंग होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, C60 भी बोलते हैं। 60 कार्बन की रिंग होती है और इसको हम C60 भी बोलते हैं। इसकी कुछ ये मतलब अभी नया डिस्कवर हुआ है, इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं। तो देखो इसमें क्या होता है, 5 मेंबर की रिंग होती है, देखो आपको 5 मेंबर की रिंग दिख रही होगी, प्लस 6 मेंबर की रिंग भी दिख रही होंगी पीछे। तो एक मतलब है ना, 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग होती है इसमें। इसके बाद इसमें 60 कार्बन होते हैं। दूसरी चीज क्या कि है ना, मतलब सेमी कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं इसको। कैसे यूज कर सकते हैं, सेमी कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, सेमी कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। आया समझ में? तो अभी क्या होगा, ये मतलब ग्रेफाइट तो अच्छा कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर, पर ये इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। आप देखो अगर है ना ग्रेफाइट और फुलेरिन में अंतर पूछ ले तो क्या होगा, ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल शीट बनाएगा, और ये क्या होगा, एक बॉल टाइप का बनाएगा 60 कार्बन का। उसमें क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये क्या होगा, ये सेमी कंडक्टर या फिर हम इंसुलेटर बोल सकते हैं, इसको हमको कंडक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वो जो ग्रेफाइट है वो मार्क छोड़ेगा पेपर पे, पर ये कोई मार्क नहीं छोड़ेगा पेपर पे। आया समझ में? तो इस तरीके से हमने अभी है ना इसके सारे एलोट्रॉप्स कवर कर लिए डायमंड के। अब देखो जो एमोर्फस होते हैं उनको तो उनकी कोई ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, उनको हम इसीलिए पढ़ते नहीं है, मेन हमको क्रिस्टलाइन ही पढ़ने होते हैं। और इसमें भी तीन आपके मेन इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए। यहाँ पे आपका एक पार्ट खत्म होता है कार्बन का, जहाँ पे हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन और उसके एलोट्रॉप्स को पढ़ लिया। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम कार्बन के कुछ कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज, ये सब डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में हम कुछ उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और सोप एंड डिटर्जेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तीन पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी पहला पार्ट देखो, पढ़ो, इससे क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड, और अगर नहीं कुछ आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ये समझ नहीं आया या फिर ये कैसे होगा, ठीक है। थैंक यू।